न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4,428 संक्रमित, छलांग लगा रही संक्रमितों की संख्या। घर के सामने से उड़ाई दो बाइक, जिले के लिए मांगे 750 करोड़। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इसके बावजूद कोरोना नियंत्रण के बाहर होता जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब छलांग लगा रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। पिछले 15 दिनों में कोरोना के आंकड़ों ने प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। गुरुवार को 4,428 नए मरीज मिले, वही 1,985 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस दिन 6 लोगों की मौत भी हुई। जनवरी महीने की शुरुआत से ही हर दिन कोरोना के नए नए रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगली खबर, रामटेक पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले महात्मा फुले वार्ड के एक मकान के सामने ताला लगाकर खड़ी रखी दो बाइक किसी ने चुरा ली। फरियादी अनीश जुम्मन सैयद महात्मा फुले वार्ड लाल दीवान शाह दरगाह समीप निवासी ने बुधवार को अपने घर के सामने और उनके भांजे तौसिफ जाहिद अली सैयद ने अपनी बाइक खड़ी रखी थी। रात के समय किसी अज्ञात ने दोनों बाइक चुरा ली। रामटेक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, नागपुर जिले के लिए वर्ष 2022-23 आर्थिक वर्ष हेतु जिला वार्षिक योजना 750 करोड़ रुपए की निधि मंजूर करने की मांग जिला प्रशासन ने की है। इस मांग पर उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री व नियोजन मंत्री अजित पवार ने नागपुर शहर की उपराजधानी की दर्जा को ध्यान में रखकर जिले को पर्याप्त निधि देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यही विराम देते हैं। बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।